बारामूला सीट पर चुनाव से पहले अमित शाह का श्रीनगर दौरा। एक रात श्रीनगर में रुकने के बाद अगले दिन शुक्रवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि शाह अपने दौरे के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधमपुर स्थित ग्रिड स्टेशन में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल की कई गाड़ियां। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 15 मई उधमपुर वन रेंज के बाली त्रिशि ब्लॉक में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई थी। उधमपुर वन रेंज के बाली त्रिशि ब्लॉक में कंपार्टमेंट नंबर 64 में आग लग गई। वन विभाग के अधिकारी द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। कुपवारा में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। एलओसी पार कर रहे दो आतंकी ढेर, तलाशी के दौरान इलाके में हथियार व गोला बारूद बरामद। रघुनाथ मंदिर में मनाया गया मां बगलामुखी का प्रकट उत्सव। बड़ी संख्या में किया श्रद्धालुओं ने माता रानी का दर्शन। इस दौरान मंदिर में किया गया हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। पिछले सप्ताह हुई बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद मौसम राहत भरा बना, लेकिन बुधवार को बड़ी तपिश ने एक बार फिर आने वाली गर्मी से सावधान रहने के संकेत दे दिए। जो इसने वाली गर्मी के बीच पूरे जम्मू कश्मीर का तापमान सामान्य से ऊपर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक झुलसने वाली गर्मी पड़ेगी, तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेगा, लू लगने की भी संभावना बनी रहेगी। कश्मीर के कारीगरों ने हाथों से बनाया एशिया का सबसे बड़ा कालीन, 8 साल में हुआ तैयार। जम्मू कश्मीर के कालपोरा क्षेत्र में बेलगांव में कश्मीरी कारीगरों ने एशिया के सबसे बड़े हस्तनिर्मित कालीन को तैयार करने का दावा किया है। यह हाथ से बुना हुआ कश्मीरी कालीन 72 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा है, जो 2880 वर्ग फुट के क्षेत्रों को कवर करता है। जम्मू में चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी ने ढाया कहर, पारा पहुंचा 40 के पार। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए लोग गन्ने के रस व शिकंजवी सहित अन्य पेय पदार्थों का कर रहे हैं सेवन।